मैं रूपांशी मिश्रा, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और कई विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने बताया कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज को बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारे पर वन और कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निवारणात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने के साथ ही साथ आम जनता किसानों के संरक्षण के लिए हटाया जाना आवश्यक है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और कई विषयों पर चर्चा की है। सीएम धामी ने बताया कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज को बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारे पर वन और कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निवारणात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने के साथ ही साथ आम जनता किसानों के संरक्षण के लिए हटाया जाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि वन संरक्षण को लेकर खास चर्चा की है। भूपेंद्र यादव ने जल्द कार्रवाई का दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और देहरादून से जुड़ रही हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जी जुड़ी हुई हैं। आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ज्योत्सना जी, क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल रूपांशी, कल से मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। कल वो दिल्ली देर शाम पहुंचे थे और जहां संगठन की वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है, ये बताया जा रहा था कि दायित्व वितरण को लेकर के कुछ ना कुछ चर्चा हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार को बने हुए एक साल हो रहा है और संगठन के लोगों को अभी तक सरकार में दायित्व नहीं मिले हैं। 80 से ज्यादा सीटें खाली हैं सरकार में जिनमें कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट होना है, तो उन्हीं सबको लेकर के कहीं ना कहीं ये मीटिंग भी होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात की। मुलाकात में जो चार नदियां हैं, गोला, सारदा, दापका, कोसी, इसमें सबसे ज्यादा खनन होता है, बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। इनकी स्वीकृति को इस साल के अंत तक यानी कि 31 मई तक बढ़ाने का एक किस्म से उन्होंने अनुमोदन किया है और आगे भी इसको उसी तरीके कंटिन्यू करने का अनुमोदन किया है क्योंकि इसके लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मिलती है, तो उसी एनओसी के लिए ये निवेदन किया गया था। इसके अलावा जो राज्य में जानते हैं कि 65% से ज्यादा है वो है, उसमें विकास कार्य होते हैं यहाँ पर, तो हर चीज के एनओसी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से ली जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा विषय थे, उन सब विषयों को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के सामने रखा और उनसे उसमें एक किस्म से कह सकते हैं कि राज्य के हित में कई मामलों अप्रूवल की उम्मीद की है और प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय के सामने है और लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए और यहाँ की जो वन भूमि है उसके संरक्षण को देखते हुए बीच का तालमेल निकालते हुए सरकार मुख्यमंत्री के प्रस्ताव में अपना अनुमोदन देगी। रूपांशी, यानी मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को रखा है, कई मुद्दों पर कर चर्चा हुई है, बाढ़ और कृषि नियंत्रण पर भी चर्चा हुई है। ज्योत्सना जी, बिल्कुल, देखिए नियंत्रण पर्यावरण जो संरक्षण है उसका ही एक दूसरा पहलू है क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों में अगर प्रॉपर तरीके से खनन नहीं होगा, माइनिंग नहीं होगी साइंटिफिक तरीके से, तो अगले वर्ष उसमें बाढ़ का खतरा रहता है क्योंकि बाढ़ कहीं भी रिहायशी इलाके की तरफ डाइवर्ट हो सकती है और मैदानी इलाकों में ज्यादा उससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो माइनिंग होती है उसको साइंटिफिक तरीके से करके बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारों पर जो कृषि भूमि है उसका संरक्षण तभी हो सकता है क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर नदी में माइनिंग नहीं होगी तो हर साल जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ता रहेगा और फिर बाढ़ जो रिहायशी इलाके हैं, कृषि भूमि है, उसकी तरफ जाएगा। तो ऐसे दोनों में तालमेल उठाने के लिए माइनिंग साइंटिफिक तरीके से यानी कि कहीं भी पर्यावरण को खतरा ना हो
किसी भी तरीके से मानकों का उल्लंघन ना हो, इस तरीके से माइनिंग बिल्कुल पर्यावरण को खतरा ना हो, मानकों का कोई उल्लंघन ना हो, जिसको लेकर सीएम धामी निकल कई मुद्दों पर चर्चा। फिलहाल ज्योत्सना जी, ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, सारा समय के दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खटीमा के बाद सीएम धामी चंपावत, जहां पर उन्होंने सप्तेश्वर महादेव में भोलेनाथ के दर्शन किए और मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सफलता की जन समुदाय को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि सप्त ऋषियों ने जहां तपस्या की, ऐसा पवित्र और आस्था के इस केंद्र पर किसी के बुलाने से नहीं आता। यह है कि मैं यहां पर पहुंचा हूं और मुझे मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य का शुभारंभ करने का मौका मिला है। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है, सप्तेश्वर महादेव में पूजा अर्चना की है। महादेव पर आज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर चार योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है, जिससे रूप से सप्तेश्वर महादेव की भूमि, ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है, सांस्कृतिक रूप से हमारे पौराणिक रूप से चली आने वाली भूमि, यहाँ का विकास हमारी प्राथमिकता है और यहाँ तक सड़क पहुँचे, यहाँ तक अन्य स्थान पहुँचे, यहाँ पर स्नानगार, उन सब पर निकट भविष्य में काम किया जाएगा और एक आदर्श रूप में ये क्षेत्र विकसित हो और सभी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा ये क्षेत्र बने, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, हमारे क्षेत्रवासियों का सभी का मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूँ और महाशिवरात्रि पर्व सभी को शुभकामनाएं। हल्द्वानी जिले में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में राज्य कर्मचारियों ने नैनीताल रोड पर प्रदर्शन कर रैली निकाली है और सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है तो उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उत्तराखंड में कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी जो मुख्य मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, क्योंकि 2004 में केंद्र सरकार ने और 2005 में राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर एक नई पेंशन स्कीम शुरू करी, जिसमें नई पेंशन में जो कर्मचारी का पैसा है वो मार्केट में लगाया जाता है। देखिए, जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट कभी अचानक गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, यही स्थिति अगर हमारे रिटायरमेंट के वक्त होगी तो शायद हमारा जो जमा हुआ पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा और पेंशन मिलना तो दूर, हमारा जमा पूंजी भी हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि पूर्व की भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। और बात करते हैं हल्द्वानी स्थित सहारा समय के यूपी उत्तराखंड के संवाददाता हर्ष रावत से। हर्ष, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब लामबंद हो गए हैं। आज हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर राज्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी साफ तौर से मांगे है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे। उनका कहना है कि ओपीएस को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसके पास सिर्फ एक पेंशन होती है जिस पर उसकी दिनचर्या और उसका जीवन चल सकता है, लेकिन इस सरकार ने उनको खत्म करने का काम किया है। उनका कहना है कि 2004 में केंद्र की सरकार और 2005 में राज्य की सरकारों ने पेंशन को खत्म कर दिया है, ऐसे में जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल को लेकर सरकार ने फैसला किया है, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी राज्य के कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, ताकि जो कर्मचारी है वो रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन से अपना जो जीवन है वो गुजर बसर कर सके। बिल्कुल, और काफी भारी संख्या में कर्मचारी दिखे हैं वहां पर नैनीताल पर ये प्रदर्शन किया गया है। पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया है हर्ष, पुरानी पेंशन का गरमा गया है, क्योंकि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उससे पहले उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव है, तो जो कर्मचारी हैं वो अब दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। उनका कहना है कि सरकार को उनकी मांग पर विचार करना ही पड़ेगा,
क्योंकि वह लोग सरकार के कर्मचारी हैं और वह अपनी जो मेहनताना है, जो उनके 60 साल के बाद का जो मेहनताना पेंशन के रूप में उनको मिलता है, वो उनको मिलना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी आगे को चल सके। इसी मांग को लेकर वो अब लामबंद हो गए हैं और उनका कहना है कि धीरे धीरे यह आंदोलन उनका आगे और बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के, उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस सबमिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और, इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। पंजाब, जिसे भारत का फूड बोल कहा जाता है, देश में हरित क्रांति वाली भूमि तेजी से भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेहनती और उद्यमशील पंजाब ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में पंजाब भारत का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भी है। आज पंजाब में सर्विस इंडस्ट्री में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं, खास तौर पर IT, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में। इसने एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित किया है, जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए कृष्ट चागत और संस्था समर्थन प्रदान करता है। पंजाब एक वन सिंगल विंडो है, जो राज्य में निवेश की सुविधा और प्रत्येक निवेशक को सहयोग प्रदान करता है, रेगुलेटरी मंजूरी से लेकर वित्तीय सहयोग तक। इतना ही नहीं, राज्य में उत्पन्न के अनुकूल सी सुविधाएं मौजूद हैं, पर्याप्त बिजली, बेहतरीन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार के प्रशिक्षित लोग। साथ ही मौजूद है सरकार की ऐसी नीति जो पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपना आपका, संसाधन हमारे। इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नकल कानून पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज नकल कानून के बाद एक साफ सुथरी पारदर्शिता के साथ परीक्षण हो रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अब BJP नाराज नहीं है। कि लाठी भाग्यपूर्ण था, युवाओं की मांग थी कि भाई एक कानून ऐसा लाया जाए कि इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा निर्माण हो, खासतौर पर नकल के क्षेत्र में। और मैं कह सकता हूँ देश का सबसे प्रभावशाली कानून अध्यादेश के रूप में हमारे सामने आ गया, और इस बार जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो एक प्रकार से कानून बन जाएगा। अब ऐसा क्या था कि सबकी मांग को सख्त कानून लाने की बात थी, अब वो चीज पूरी हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक नजीर पेश हुई इस देश के अंदर, खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने, जो कोई भी अभी तक दबती चली आ रही थी हर विषय को, चाहे वो नकल का संबंधित विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार संबंधित विषय हो, अपराध संबंधी कोई मानो केवल दबाए जाते थे। पहली बार ये हुआ है कि उनको जमीन से उखाड़ने का काम किया।
और देहरादून से ज्योत्सना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, एसोसिएट एडिटर। ज्योत्सना जी, प्रदेश अध्यक्ष ने नकल कानून पर कहा कि युवाओं के हित में धामी सरकार ने फैसला लिया है। जी तो देहरादून से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी, आज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नकल विरोधी कानून को लेकर कि युवाओं के हित में फैसला लिया है धामी सरकार ने, क्या कुछ जानकारी है? तो आपको एक बार फिर से बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नकल कानून पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के हित में राज्य सरकार ने सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज नकल कानून लागू होने के बाद एकदम साफ सुथरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब युवा बीजेपी से नाराज नहीं है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने स्नान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों से ब्रीफिंग की है। पूरे माला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 3 पीएसी कंपनी बम निरोधक दस्ता समेत 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एसएसपी ने जानकारी दी है कि हरिद्वार के सभी बॉर्डर पुलिस को दिए गए हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने दावा किया कि अन्य स्नान पर्व की तरह सोमवती अमावस्या पर भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेडिकल शिविर भी लगाए गए हैं। हमारा जो जोर है कि जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें ज़्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करें और सुरक्षित यहाँ से उनका प्रस्थान हो, ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। कम से कम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। साथ ही साथ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि यदि किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो लगभग 5 पॉइंट पर हमारी जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेज होती हैं 24/7 के बेसिस पर डॉक्टर्स के साथ मौजूद रहेंगी कि अलग से इसकी पूरी तैयारी रखें, कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है तो तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे आपातकालीन परिस्थितियों में जो इसकी स्कीम्स होती हैं उनको भी ब्रीफ करने के लिए कहा गया है और आज से ही ये ड्यूटियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि और भी स्नान पर्वों की भांति यह भी स्नान पर्व सफलतापूर्वक संपन्न। अमावस्या का जो स्नान है वो कल प्रस्तावित है, जिसमें जो है समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 पर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया, 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे होंगे, सेक्टर में स्टेट भी होंगे जो एरिया वाइज इसमें मॉनिटर करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस यही रहेगा कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाएँ और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया गया और पार्किंग्स को भी हमने बढ़ाया जिससे कि गाड़ियाँ जो सड़क पर ना लगे और यातायात सुचारू रूप से चले। तो समस्त फोर्स की ब्रीफिंग कर दी गई जिससे आज ये ड्यूटी हो जाएंगी जो कल स्नान बाद तक देर रात तक जारी रहे। और हरिद्वार से संवाददाता स्वरूप पुरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वरूप, हरिद्वार में सोमवती स्नान को लेकर किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई हैं, पुलिस की तरफ से किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम सोमवती स्नान की बात करें तो एक बड़ा स्नान होता है और हरिद्वार में जो है स्नान को लेकर बहुत ही बड़ा महत्व होता है। देश विदेश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु यहाँ आकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूरी होने की कामना करते हैं। तो ये बड़ा स्नान होता है और इस स्नान को लेकर जो है पहले से ही काफी तैयारियां करनी पड़ती है। आज जो है जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय द्वारा जो है सभी जो पुलिसकर्मी थे और इसमें जितने भी जो लोग हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं जो स्नान में जो है, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था की हो, चाहे वो यातायात व्यवस्था की बात करें, उसको लेकर उन सबको ब्रीफ किया गया है और सभी को जो है निर्देश दे दिए गए हैं और उनके पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं कि उनको कल जो है किस तरह से जो है अपना कार्य को अंजाम देना है।
राजस्थान की बात करें तो बड़ा स्नान होता है, अगर चाहे हम यूपी की बात करें तो यूपी की ओर से भी जो है श्रद्धालु थे, अपने पहाड़ों की ओर से बात करें तो वहां से भी श्रद्धालु आते हैं, तो ट्रैफिक हमेशा जो है एक बड़ी समस्या होती है। हालांकि कुछ दिनों पूर्व जो है हरिद्वार में जो है नेशनल हाईवे बन चुका है, मगर उसके बावजूद भी जो है अब धीरे धीरे जो स्नानार्थी लोग होते हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, और वो सबसे बड़ी समस्या वाहनों की पार्किंग को लेकर होती है। तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं, और कल जो है एक महत्वपूर्ण स्नान हम कह सकते हैं कि आज रात से ही जो है श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो क्रमवार शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सूर्योदय होगा उसके बाद जो है ये स्नान चरम पर होगा। जी यानी स्वरूप वाहनों को लेकर भी काफी तैयारियां की गई हैं, वहां पर बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है, 1200 पुलिसकर्मी सहित पीएसी भी तैनात किए गए हैं। स्वरूप बिल्कुल, अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें तो इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र को जो है 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांटा गया। हर जोन में जो है एक अलग अधिकारी तैनात होगा, उसके 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 जो अंडर में जो अन्य कर्मचारी तैनात होंगे उनके जो है उस सेक्टर में जो व्यवस्थाएं देखने की जिम्मेदारी होगी। तो यही वजह है कि बड़ा स्नान होता है, और हरिद्वार की बात बड़ा स्नान होता है, सोमवती स्नान को लेकर लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और ऐसे में पुलिस ने भी यानी वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर रखी है। फिलहाल ये अहम जानकारी स्वरूप हम तक साझा करने के लिए, सारा समय के दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें, $1 trillion इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने।